सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन पाठशाला। आई एम प्रणव, योर मेंटल एबिलिटी एजुकेटर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि ऑलमोस्ट आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है उससे क्वेश्चन। और वो जो टॉपिक होने वाला है हमारा, वो है काउंटिंग फिगर्स का। ठीक है, काउंटिंग फिगर्स में क्या होता है कि इसमें कैटेगरी कई होती है। ठीक है, जैसे ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया या फिर रेक्टेंगल पे आ गया। और काउंटिंग फिगर्स में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो ज्योमेट्रिकल फिगर्स पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, आपको कोई ज्यामितिक चित्र दे देगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल फिगर मतलब समझते हैं आप लोग, जैसे कि रेक्टेंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, ट्रायंगल हुआ, तो इन सब पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले, देखने वाले, कुछ ट्रिक्स सीखेंगे कि कैसे हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग ट्रायंगल्स पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग देख सकते हो, काउंटिंग फिगर्स का हमारा है। ठीक है, काउंटिंग फिगर्स, और इसमें भी जो हमने आज सब टॉपिक ले रखा है वो है ट्रायंगल का। ठीक है, तो देखो ट्रायंगल्स में क्या होता है कि ये इस पर्टिकुलर, तो ट्रायंगल में अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अगर ये ट्रायंगल आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल बताओ, तो कोई प्रॉब्लम होने वाली है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे बोल सकते हो कि सिर्फ एक ट्रायंगल है, ओनली वन ट्रायंगल इज देयर। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे बता सकते हो, सभी लोग बता सकते हो इसको। ठीक है, इसमें अगर पूछता हूं तो इसमें भी बहुत लोग बता देंगे। क्या बता देंगे कि हाँ, इसमें एक बड़ा वाला दिख रहा है हमें, फिर एक क्या हो रहा है कि ये पर्टिकुलर, ये हमारा एक ये ट्रायंगल हो गया दो, और एक ये तीन हो गया। लेकिन ये तो आपने गिन के बताया, अगर मैं इससे कुछ सिंपल ट्रिक में बता दूं तो अच्छा रहेगा, यानी कि आपको ये गिनने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, काउंट करने की मतलब अलग अलग ट्रायंगल्स को काउंट करने का जरूरत ही ना पड़े, ऐसा कुछ जानना चाहते हैं आप लोग, तो देखो उसके लिए क्या है, फिर उसके लिए क्या करना है कि ये जो वर्टिकल लाइन है इस ट्रायंगल में, ये जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की गई है, ये क्या कर रहा है कि इस ट्रायंगल को दो कॉलम्स में डिवाइड कर दे रहा है, दो कॉलम्स में डिवाइड कर दे रहा है, वन एंड टू। तो जितने कॉलम बनेंगे हमको उसको ऐड कर देना है, बस क्या कर देना है, वन प्लस टू, ये किसके इक्वल आ जा रहा है, थ्री के, किसके इक्वल आ जा रहा है, थ्री के। तो वन प्लस टू करने पे क्या आ रहा है, थ्री। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो रहे हैं इस ट्रायंगल में, थ्री। ठीक है, सिंपल से अच्छा लग रहा ट्रिक है, समझ में आ रहा सभी को? ठीक है, आसान सा ट्रिक है, उसी ट्रिक को अगर अप्लाई करें इस फिगर में, फटाक से बताओ क्या आ रहा है, कॉमेंट करो आंसर तुरंत, फटाफट एकदम बताओ क्या आ रहा है आंसर इसका। यही ट्रिक अप्लाई करना है, इस ट्रायंगल में कितने वर्टिकल लाइंस हैं, इस ट्रायंगल में दो वर्टिकल लाइंस हैं, ये आपका नंबर वन हुआ, ये नंबर टू। तो इन अगर तो कितने कॉलम्स बन रहे हैं, कॉलम्स तीन बन रहे हैं, वन टू एंड थ्री। अब इन तीनों कॉलम को हमको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, सब में वही प्रोसेस अप्लाई करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है हमें। ठीक है, तो वन प्लस टू करें तो थ्री, एंड थ्री प्लस थ्री सिक्स। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इस ट्रायंगल में कितने हैं, सिक्स हैं। ठीक, अगर आप काउंट करके चलते हो, आपको भरोसा नहीं है ट्रिक पे, आप काउंट करना चाहते हो, ठीक है, तो वो भी करके देख लो। ये आपका एक ट्रायंगल हुआ, सभी को समझ में आ रहा है, ये दूसरा हो गया। ठीक है, ये थर्ड नंबर ट्रायंगल हो गया। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, ओके। अब देखो, ये हो गया फोर्थ नंबर ट्रायंगल, ये हो गया फिफ्थ नंबर ट्रायंगल। ठीक है, और एक लास्ट कौन सा बच रहा है, जो कि मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं काउंट करना, तो वो लास्ट वाला कौन सा हो जा रहा है आपका, लास्ट वाला देखो, तो सबसे बाहर और सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल, इसको तो छोड़ ही दे रहे हैं हम लोग, तो इसको छोड़ना नहीं है, सबसे बड़ा वाला, सबसे बाहर वाला ट्रायंगल क्या हो गया, ये भी नंबर सिक्स। तो चाहे आप गिन के करो, चाहे ट्रिक अप्लाई करके करो। देखो हम लोग ट्रिक यूज क्यों करते हैं, ट्रिक यूज करने का फायदा क्या होता है, ट्रिक यूज करते हैं हम लोग कि हमारा टाइम बचे। अगर 28 ट्रायंगल है, 36 ट्रायंगल्स हैं, उसको अगर हम काउंट करने जाएंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा वो। ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग होगा, फिर हम फ्रस्ट्रेट होंगे और आंसर हम सही से नहीं निकाल पाएंगे, तो हम लोग ट्रिक का यूज करते हैं उस टाइम को बचाने के लिए। ठीक है, क्योंकि एंट्रेंस में देखो होता क्या है, एंट्रेंस में तो आपको यही होता है कि टाइम कम से कम यूज करना है, आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि सिर्फ एक क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, आपके पास कई और क्वेश्चन है जहाँ पे कि आपको टाइम देना है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ट्रिक का यूज करते हैं, और ट्रिक से चलो तो गारंटी होता है इस बात का, मतलब कि एश्योरिटी होती है कि आंसर आपका सही ही आना है। ठीक है, अगर आप ऐसे गिनने चलोगे तो उसमें मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। तो सेम ट्रिक को अगर अप्लाई करें इस पर्टिकुलर फिगर में, तो कितने लोगों ने आंसर बना रखा है, कॉमेंट करो कि हाँ मेरा आंसर आपसे पहले आ चुका था, कॉमेंट कर देना। ठीक है, ठीक है, बनाते हैं इसको। कितने कॉलम्स हैं, वन टू थ्री फोर, क्या करना होगा हमें, फटाक से बताओ, ऐड करना होगा, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर।
सो ऑन एडिंग ऑल दिस नंबर्स व्हाट आर वी गेटिंग, वी आर गेटिंग 10. सो द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल इज 10. ठीक है, अब 10 ट्रायंगल हम लोगों ने सीधे सीधे एक कुछ सेकंड के अंदर फाइंड कर लिया कि इस पूरे फिगर में 10 ट्रायंगल्स हैं. अगर हम लोग गिनने चलते तो क्या इतनी जल्दी फाइंड कर सकते थे कि 10 ट्रायंगल है? अगर काउंट करने चलते तो इतनी जल्दी तो नहीं कर पाते. ठीक है, और अगर थोड़ा और स्ट्रिप इसमें बढ़ा दिया जाए तो तब तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी. ठीक है, तो हमेशा इस ट्रिक को यूज करना है आपको. ठीक है, चलते हैं एक अगले कैटेगरी की तरफ. ठीक है, उसमें क्या था कि जो प्रीवियस एग्जांपल था उसमें वर्टिकल लाइंस थी. ठीक है, इसमें क्या होंगी? हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं. पहला फिगर देख के बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका. पहले फिगर में, इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं? फटाक से कमेंट करके बताओ. इस फिगर में आप कह रहे हो 3? नहीं जी, 3 तो है नहीं है. ध्यान दो, ये आपका नंबर 1 हो गया 1 और ये हो गया 2. बस एक छोटा वाला ट्रायंगल, एक बड़ा वाला ट्रायंगल, 3 कहां से हो रहा? 3 तो हो ही नहीं रहा. कितने ट्रायंगल्स हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रायंगल्स. क्लियर है? अभी देखो मैं इसका एक और आसान तरीका बताने वाला हूं, ट्रिक. इसमें बताओ पहले कितने ट्रायंगल्स आ रहे हैं, फिर मैं बताता हूं ट्रिक. इसमें देखो अगर आप लोग, तो एक ये बन रहा है 1. ठीक है, देन ये क्या हो गया? सेकेंड. उसके बाद फिर सबसे बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ये हो गया 3. 3 ट्रायंगल आ गए. लेकिन अब इतना लंबा प्रोसेस भी आपको नहीं करना है. ठीक है, कुछ नहीं करना है, पूरा गिनने की जरूरत ही नहीं है. क्या करना है आपको? देखो ये सब चीज भूल जाओ. अभी हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है कि जितने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स हैं उनको काउंट कर लेना है. जितने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स हैं उनको काउंट कर लेना है. हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स कौन कौन से हैं? जो हॉरिजॉन्टल समझते हैं ना, क्षैतिज रेखाएं जो इस तरीके, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है. ठीक है, और ये वर्टिकल लाइन है. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं? 1, 2 एंड 3. ठीक है, तो जितने हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी उतने ही ट्रायंगल बन रहे होंगे उस फिगर में. जितने हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे उस ट्रायंगल में उतने ही ट्रायंगल बन रहे होंगे उसी ट्रायंगल में. समझ में आ रहा है बात? तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस ट्रायंगल इज 3. इसी बेसिस से बताओ इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं. 1 स्ट्रिप 2 स्ट्रिप 3 स्ट्रिप 4 स्ट्रिप, कितने ट्रायंगल हो गए? 4. नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज 4. आसान था, बिल्कुल आसान ट्रिक था ना. ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा. अच्छा, अगर इसी बेसिस पे मैं क्वेश्चन आपसे दे रहा हूँ, ठीक है, इसी बेसिस पे मान लो आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसे दे दिया. ठीक है, ये हो गया और ये एक स्ट्रिप भी बना दिया. चलो अब बताओ, एक वर्टिकल लाइन भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी है, क्या आंसर आ रहा है? देखो अब ऐसे केस में क्या करना है हमें कि इन दोनों को सेपरेट कर लेना है. क्या करना है? सेपरेट कर लेना. सेपरेट का मतलब कि ऊपर वाले को अलग कर दो, ऊपर वाले को क्या कर दे? अलग कर दे. तो अगर अलग कर रहे हैं ऊपर वाले को, तो यहां 1, 2 जो कि हमने प्रीवियस वाले में सीखा था, टाइप कैटेगरी फर्स्ट में 3 आ रहे हैं. यहां पे 1, 2 करने में कितने आ गए? 3. और सेम नंबर पे नीचे भी करेंगे तो, यानी बड़ा वाला जो ट्रायंगल है हमारा, इसमें भी वही चीज हो रही, लंबी लाइन आई हुई है 1, 2, यानी 1, 2 दैट इज इक्वल टू 3. तो अब आप लोग को ये चीज समझ में आ रही है यहाँ पे कि जितने ट्रायंगल्स नीचे वाले सबसे जो बॉटम लाइन है उस पे जितने ट्रायंगल बन रहे हैं उतने ही ट्रायंगल उसके ऊपर जितनी भी लाइनें आती जाएंगी उस पे बनते जाएंगे. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ भी 1, 2 3 ट्रायंगल और बन जाएंगे. तो आपको क्या करना है कि नीचे वाले लाइन को देखना है, नीचे वाले लाइन पर जितने ट्रायंगल बन रहे हैं उतने ही ट्रायंगल ऊपर के हॉरिजॉन्टल लाइंस पे भी बनते जाएंगे. ठीक है, ये भी समझ में आ गया. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन. हाँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बताओ, इस क्वेश्चन बताओ कि क्या आ रहा है आंसर, फाइंड करो. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या आ रहा है आंसर? 1, 2, 3, 4 काउंट कर लिया हमने, काउंट हो गया 1, 2, 3, 4, 4 ट्रायंगल्स हैं. और एक और कौन सा छूट रहा है? सबसे बड़ा वाला, सबसे बाहर वाला, 5 ट्रायंगल्स है कि नहीं जी? 5 ट्रायंगल्स हैं. सो हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस फिगर? 5 ट्रायंगल्स. ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, तुरंत ही बहुत लोगों ने बता दिया होगा. ठीक है, इसमें और कुछ दिख रहा है क्या? इसके अलावा 5 ट्रायंगल्स के अलावा और कोई ट्रायंगल इसमें है ही नहीं, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, अच्छा इस ट्रायंगल, हाँ अब ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है. क्या ये आपका होमवर्क है? फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, फाइंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस फिगर, दिस इज योर होमवर्क. और आपको ये कमेंट करके आंसर बताना है कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं. ठीक है, सभी को बताना है, अच्छे से सॉल्व करना, टाइम ले लेना जितना टाइम लग रहा होगा, लेकिन आंसर सही देना. ठीक है,
तो अच्छा लगा सेशन आज का? सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना कैसा लगा, ओके। और आपको क्या करना है कि सर अगर अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप अगर सपना रखते हो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का, तो हमारी कोर्सेस लॉन्च हो चुके हैं, ऐप पे बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। ऑफिशियल नंबर हमारा यहाँ पे है, ठीक है। आपको करना क्या है कि इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है और अपने जो आपके सपने हैं, जो आपके गोल हैं, उसको अचीव करना है, ठीक है, ओके। और एक चीज़ और है आपके लिए, बहुत ही प्यारा सा क्वोट है गौतम बुद्ध का, ठीक है। उन्होंने कहा है कि ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया की जितनी भी शक्ति है, ताकत है ना, वो आपके अंदर है। आप कुछ भी कर सकते हो और सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो अपने पोटेंशियल को आप यूज करो और उसको बेहतर तरीके से यूज करो, ठीक है। और सपोर्ट में तो हम लोग है ही, आपके आपका जितना भी गाइड करना है, आपको सपोर्ट करना है, वो सब कुछ हम लोग करेंगे, ठीक है। आप हमारे पर ट्रस्ट करिए और हमसे जुड़िए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।